कांग्रेस द्वारा कोरोना से मृतक परिवारों से फॉर्म भराए जाएंगे और उन्हें आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। इसको लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में कोविड 19 से मौत होने वाले पीड़ित परिवारों के परिजनों से मिलकर कांग्रेस कार्यकर्ता आवेदन के माध्यम से जानकारी एकत्रित करेंगे और सरकार से आर्थिक सहायता दिलवाएंगे, जिसको लेकर नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक बुधवार को आयोजित की गई, जिसमें नीमच नगर कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोविड काल में कोरोना संक्रमण से जिन परिवारों में मौत हुई है उन परिवारों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में फॉर्म भरने की जानकारी दी गई। कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाकर किस तरह फॉर्म भरेंगे इस संबंध में बताया गया। कांग्रेसजनों द्वारा पूर्व में RTI के माध्यम से मृतकों की जानकारी संगठित की गई थी, अब उन परिवारों के साथ मिलकर आर्थिक सहायता हेतु फॉर्म भरवाए जाएंगे। अब तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 70 के करीब पीड़ित परिवारों के फॉर्म भर दिए हैं। देखिए, पिछले 2-4 महीने में या पिछले वर्ष से लेकर अभी तक कोरोना की वजह से देश में और प्रदेश में लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। ऑक्सीजन की वजह से, रेमसिडियो इंजेक्शन की वजह से अस्पतालों में बेड नहीं थे, उसकी वजह से लोग भटकते रहे और बेमौत मारे गए। परंतु केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ये मृत्यु के आंकड़े छुपा रही है। हमने TV में देखा कि गंगा में भी कई लाशें बहाई गई, परंतु सरकारें मानने को तैयार नहीं है, BJP की सरकारें, कि ये कोरोना की वजह से इतनी मृत्यु हुई है। तो कांग्रेसजनों का ये कहना है कि हम लोग घर घर जाएंगे और जैसे नीमच की बात कर लें, नीमच में लगभग 550 लोगों की मृत्यु हुई है, जो हमने RTI से भी वो निकाल के लिस्ट निकला रखी है। नगर पालिका जो लिस्ट रखती है, जो रिकॉर्ड रखती है, और जिनका दाह संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ है, उनकी लिस्ट भी हमने निकाल रखी है। और हम कांग्रेसजन घर घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे, उनसे फॉर्म भरवाएंगे कि भाई आप लोगों के परिवार में किसकी मृत्यु हुई और उसका कारण। तो ये फॉर्म भराए जा रहे हैं और ये फॉर्म हम भोपाल भेजेंगे, वहाँ से सोनिया जी के पास दिल्ली जाएंगे। और कांग्रेस ये प्रयास करेगी, दबाव डालेगी केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे, कि कोरोना के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी भी तरह से आर्थिक सहायता प्रदान करें, उसके लिए हम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं।